उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इनमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। आइए सुनते हैं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद में उनका क्या कुछ कहना है। हर एक छोटे सा इंसान जो तरक्की करके आगे बढ़ता है उसके ऊपर नज़र रखते हैं और फिर उसका अपने मन की बात कार्यक्रम में नाम लेते हैं तो एक गर्व का एहसास होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात की क्योंकि लेडीज़ के साथ बहुत न्याय हो रहा है। जो गरीब महिलाएं हैं उनको तलाक भी दिया जा रहा है, बीड़ी बना रही हैं, उन्हें टीपी से वंचित हैं, बहुत जुल्म होता है यहाँ रामपुर में। इंसाफ मिलना चाहिए मोदी जी से। सबसे पहले तो रामपुर की नगर विधानसभा के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज यहाँ की मुस्लिम महिलाओं से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े। या ले लिए हमारे रामपुर के लिए बहुत गौरव की बात है। यहाँ की महिलाओं के दिल में जो मोदी जी के प्रति प्यार है वो आपको आज देखने को मिला। यहाँ की जो मुस्लिमों ने एक तरीके से अपना आज मोदी जी के प्रति विश्वास जताया है, उससे ये चीज़ साफ हो गई है कि अब देश एक अलग दिशा में चल चुका है। हर तबके का आदमी आदरणीय मोदी जी के साथ है। बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा ही अपनी मन की बात कहते हैं, हमारी सुनते हैंगे प्रधानमंत्री जी और मोदी जी से। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए और भी कुछ कर सकते हैं तो और भी कुछ करिए। जब तक हम किसी की बात सुनते नहीं है तब तक समझ भी नहीं पाते। सुनो तभी समझो। बस मतलब सुना, देखा और फिर समझा, बहुत अच्छा लगा। मन की बात का संस्करण केवल प्रधानमंत्री जी के मन की बात ही नहीं है अपितु हमारे पूरे भारत वर्ष के छोटे से छोटे ग्राम में जो नई तकनीक उपज के लिए, लघु उद्योगों के लिए छोटा सा छोटा ऐसा टैलेंट जो आज तक छुपा हुआ था उसको विश्व स्तर पर लाने के लिए एक पहल है, वो मन की बात। उन माओ बहनों ने जिनको मोदी जी ने घर दिया, छत दी, राशन दिया, सुरक्षा का माहौल दिया, आज वो सब माएँ बहनें बड़ी तादाद में मोदी जी को सुनने के लिए आई थी और सुनने के बाद उन्होंने कहा वाह मोदी जी।